हेलो एवरीवन, दिस इज़ वन शॉर्ट वीडियो ऑफ पाइथन मॉड्यूल्स। तो जी मॉड्यूल्स वर्ड आया है वो कहाँ से आया है? वो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग से आया है। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में क्या करते हैं? इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ सेगमेंटिंग अ सिंगल कॉम्प्लिकेटेड कोडिंग टास्क इनटू मल्टीपल सिंपलर इजियर टू मैनेज सब टास्क। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में एक बड़े और कॉम्प्लिकेटेड कोडिंग टास्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। आप ऐसे समझ सकते हैं, एक बहुत बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे प्रोग्राम्स में डिवाइड कर दिया गया, और ये जो छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं इनको बोलते हैं सब टास्क, राइट। अब ये जो सब टास्क हैं ये क्या होते हैं? ये मॉड्यूल्स कहलाते हैं, राइट। और ये जो मॉड्यूल्स होते हैं वो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, वो इंडिविजुअली वर्क करते हैं, उनका एक पर्टिकुलर टास्क होता है, राइट। तो जो एक बड़ा कोडिंग टास्क था उसको क्या किया, उसको सॉल्व करने के लिए आपने क्या किया, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जो और जितने भी जो पार्ट्स में आपने डिवाइड किया उनका एक पर्टिकुलर वर्क है, वो अपना अपना काम कर रहे हैं, ओके। और जब आप इन सारे जो सब टास्क हैं इनके वर्क को मिला के आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास वो कोडिंग टास्क आ जाएगा जो आप अचीव करना चाहते हैं, राइट। तो मॉड्यूल्स क्या होते हैं? मॉड्यूल्स सब टास्क होते हैं किसी भी बड़े कोडिंग प्रोग्राम का एक छोटा सा पार्ट होता है जो इंडिविजुअली वर्क करता है, इंडिविजुअली एक टास्क को कंप्लीट करता है, राइट। अब हम बात करेंगे पाइथन मॉड्यूल की। अब पाइथन मॉड्यूल इज़ अ फाइल। अब पाइथन मॉड्यूल क्या एक फाइल है डेट कंटेन्स बिल्ट इन फंक्शंस। उसके अंदर बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं जो पाइथन लाइब्रेरी में अवेलेबल हैं, आप उनको यूटिलाइज कर सकते हैं, राइट। क्लासेस हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं, वेरिएबल्स हैं। तो पाइथन मॉड्यूल एक छोटी फाइल होती है जिसके अंदर बहुत सारा डेटा अवेलेबल होता है जिसको आप इम्पोर्ट करने के बाद यूज़ कर सकते हो। देयर आर मैनी पाइथन मॉड्यूल्स ईच विद इट्स स्पेसिफिक वर्क। तो पाइथन मॉड्यूल्स क्या है, जैसे मैंने आपको बताया मॉड्यूल्स क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, और उनका एक जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, राइट, सब टास्क होते हैं, वो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर वर्क वो परफॉर्म करते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या है, देयर आर मैनी पाइथन मॉड्यूल्स, बहुत सारे पाइथन मॉड्यूल्स हैं जिनका कुछ स्पेसिफिक काम होता है, वर्क होता है, विच कैन बी यूज इन अदर पाइथन प्रोग्राम्स। तो पाइथन मॉड्यूल्स को दूसरे पाइथन प्रोग्राम्स में इम्पोर्ट करके यूज़ किया जाता है, उनकी फंक्शनैलिटी को यूज़ किया जाता है, राइट। पाइथन मॉड्यूल्स आर फाइल्स विद द डॉट पी वाई एक्सटेंशन। पाइथन मॉड्यूल्स जो फाइल्स होती हैं वो उनकी एक्सटेंशन क्या होती है, डॉट पी वाई, ओके। In order to use a module, अगर आपको Python module को use करना है, you need to first import the module in a program. तो आपको सबसे पहले अपने program में उसको import करना होगा, उसको लाना होगा अपने program में, okay? Then you can use the module function. अगर आपने उसको import कर लिया उसके बाद ही आप module के function, variable, constant और जो भी objects उस particular module में present है आप उसको अपने program file में use कर सकते हैं, right? ओके अब इंपोर्ट कैसे करेंगे? इंपोर्ट करने के लिए देखो, इंपोर्टिंग पाइथन मॉड्यूल्स, तो जो हमारे पास फर्स्ट वे है वो क्या है, यूजिंग इंपोर्ट स्टेटमेंट। इंपोर्ट स्टेटमेंट का यूज़ करके इट प्रोवाइड्स एक्सेस टू ऑल द एट्रीब्यूट्स लाइक वेरिएबल, कॉन्स्टेंट्स एंड मैथड्स प्रेजेंट इन द मॉड्यूल। इम्पोर्ट, जब आप इम्पोर्ट स्टेटमेंट का यूज़ करके किसी भी मॉड्यूल को इम्पोर्ट करते हो, तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, आप उस कम्प्लीट मॉड्यूल को अपने प्रोग्राम में इम्पोर्ट कर रहे हो। उस मॉड्यूल के अंदर कोई भी वेरिएबल, कॉन्स्टेंट, जितने भी मैथड्स हैं, ओके, जितने भी वेरिएबल्स हैं, जितने भी कॉन्स्टेंट्स हैं, आप उन सबको अब यूज़ कर सकते हो, राइट, ओके। तो मैं यहाँ पे करके दिखाती हूँ। इन केस ऑफ एक्सेसिंग स्पेसिफिक मॉड्यूल्स इट कैन बी मॉडिफाइड एज। अगर आपको क्या करना है, आपको एक से ज़्यादा मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करना है अपने प्रोग्राम में, तो आप कैसे इंपोर्ट कर सकते हो, मॉड्यूल वन कोमा मॉड्यूल टू लाइक दिस मॉड्यूल एन, राइट। नंबर ऑफ मॉड्यूल्स आप अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट कर सकते हो, ओके। टू एक्सेस पर्टिकुलर मेथड फ्रॉम एनी मॉड्यूल, अगर आपको किसी भी मॉड्यूल का एक पर्टिकुलर मेथड यूज़ करना है तो आप डॉट नोटेशन की हेल्प से उसको यूज़ कर सकते हो, मॉड्यूल का नेम डॉट फंक्शन नेम। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंपोर्ट स्टेटमेंट की हेल्प से किसी भी मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। मैथ मॉड्यूल क्या है, बिल्ट इन मॉड्यूल है जो पाइथन लाइब्रेरी में अवेलेबल है। अब आपने इसको इंपोर्ट किया है तो इसके बाद क्या कर सकते हो, आप इसके किसी भी फंक्शन को यूज़ कर सकते हो। तो इसके जैसे मैंने लिया मैथ, ये मॉड्यूल का नेम है, तो मैं मैथ मॉड्यूल के स्क्वेयर रूट फंक्शन का यूज़ करती हूँ, SQRT स्क्वेयर रूट, राइट, ओके। मैंने यहाँ पे कर दिया 65 एंड प्रेस एंटर, रिजल्ट आ गया आपके पास, ओके। तो मैथ जो हमारे पास मॉड्यूल है उसके और फंक्शंस को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। जैसे मैंने मैथ का ले लिया सील फंक्शन, सील फंक्शन इसमें आपने वैल्यू दे दी 3.4, तो ये क्या करेगा, एक 3.4 से बड़ा इंटीजर आपको शो कर देगा। आ गया 4 हमारे पास आ गया।
अब आप क्या करोगे, इम्पोर्ट में आप एक साथ मल्टीपल मॉड्यूल्स को भी इम्पोर्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने ले लिया मैथ, ओके, और मैंने यहाँ पे ले लिया रेंडम मॉड्यूल, रेंडम मॉड्यूल ले लिया, ओके। तो आप यहाँ पे देखो मैथ को भी यूज़ कर सकते हो, मैथ मॉड्यूल को, मैथ डॉट मैंने स्क्वायर रूट ले लिया यहाँ पे, SQRT स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट 49 का हम निकाल लेते हैं, राइट, आ गया। और मैंने रैंडम को भी यहाँ पे इंपोर्ट किया है, तो मैं रैंडम को भी यूज़ कर सकती हूँ। मैंने यहाँ पे रैंडम, रैंडम डॉट रैंडम के फंक्शन को हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, रेंड रेंज, ठीक है, रेंड रेंज, रेंड रेंज फंक्शन को हम यूज़ कर लेते हैं। तो 30 यहाँ पे वैल्यू ली है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका 0 से 30 के बीच में जो भी वैल्यूज़ होगी कोई भी एक, वो यहाँ पे शो कर देगा। 22 इसने शो कर दी, एक रैंडम वैल्यू इसने शो कर दी है, फाइन। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, एक साथ दो मॉड्यूल्स को इम्पोर्ट किया और दोनों के फंक्शंस को अब मैं यहाँ पे यूज़ कर सकती हूँ, ओके। नेक्स्ट मेथड जिसकी हेल्प से आप मॉड्यूल को इम्पोर्ट कर सकते हो वो है फ्रॉम स्टेटमेंट। यूजिंग फ्रॉम स्टेटमेंट, पाइथन्स फ्रॉम स्टेटमेंट लेट्स अस इम्पोर्ट स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स और मेथड्स फ्रॉम अ मॉड्यूल। तो किसी भी मॉड्यूल से आप कोई भी एट्रीब्यूट, कोई भी मेथड इम्पोर्ट कर सकते हो बाय यूजिंग द फ्रॉम स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसका सिंटेक्स क्या है, फ्रॉम मॉड्यूल नेम इम्पोर्ट फंक्शन नेम। तो जिस भी मॉड्यूल से आपको लेना है कोई पर्टिकुलर फंक्शन, स्पेसिफिक फंक्शन, उसका नाम और इम्पोर्ट कर लोगे फंक्शन नेम, ओके। आप एक फंक्शन भी इम्पोर्ट कर सकते हो, आप मल्टीपल फंक्शन भी इम्पोर्ट कर सकते हो। फ्रॉम मॉड्यूल नेम इम्पोर्ट फंक्शन नेम 1, फंक्शन नेम 2, फंक्शन नेम n, राइट। आप कितने भी चाहो उतने फंक्शंस को इम्पोर्ट कर सकते हो, राइट। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, फ्रॉम स्टेटमेंट का यूज़ करके अपने स्पेसिफिक मॉड्यूल से, मान लो मैंने यहाँ पे मैथ मॉड्यूल से मुझे क्या इंपोर्ट करना है, एक स्पेसिफिक फंक्शन इंपोर्ट करना है स्क्वायर रूट का, मैंने किया SQRT स्क्वायर रूट, ओके। अब मेरा मैथ मॉड्यूल का स्क्वायर रूट फंक्शन इंपोर्ट हो चुका है, राइट। तो अब मुझे यहाँ पे डॉट नोटेशन की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे ये नहीं लिखूँगी मैथ डॉट SQRT स्क्वायर रूट और फिर मैं यहाँ पे वैल्यू दूँ, ऐसा करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैंने क्या किया है, मैथ मॉड्यूल से स्क्वायर रूट फंक्शन को इंपोर्ट कर लिया है। तो सिंपली अगर आप यहाँ पे फंक्शन को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, मैंने क्या किया स्क्वायर रूट 100 और प्रेस एंटर, आपके पास आंसर आ गया है, राइट। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, किसी भी मॉड्यूल से मल्टीपल फंक्शंस को, उसके एट्रीब्यूट्स को, वेरिएबल्स को इंपोर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने किया, यहाँ पे मैंने लिखा फ्रॉम मैथ, राइट, इंपोर्ट। अब मैं मल्टीपल यहाँ पे फंक्शन को इंपोर्ट करूँगी स्क्वायर रूट, और आपने लिख दिया फैब्स फॉर एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। सील, सील फंक्शन हमने ले लिया, फ्लोर ले लेते हैं, ठीक है, फ्लोर फंक्शन ले लिया, फाइन, ओके। अब ये चारों फंक्शन हमारे पास इंपोर्ट हो चुके हैं मैथ मॉड्यूल के, आपने चार फंक्शंस को इंपोर्ट कर लिया है, ओके। तो अगर यहाँ पे अब आप सिंपली इनको यूज़ कर सकते हो, तो मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया 49, ओके, स्क्वायर रूट 49 का आपके पास 7 आ गया, राइट। अब फैब से क्या होगा, आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी, मैंने यहाँ पे लिखा फैब्स, ठीक है, और -10 लिख दिया, राइट। तो माइनस का आपका साइन हट जाएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी, ओके, फ्लोट की फॉर्म में, राइट। अब सील फंक्शन का भी यूज़ कर लेते हैं, सील फंक्शन में क्या है, आपके पास इंटीजर वैल्यू आ जाएगी, बिगर देन द नंबर, तो मैंने यहाँ पे लिखा 2.93 आ गया आपके पास, ओके। अब फ्लोर का भी यूज़ कर लेते हैं हम लोग, फ्लोर फंक्शन का यूज़ कर लेते हैं, फ्लोर में आपने जैसे वैल्यू दे दी यहाँ पे 2.7, राइट, ओके। तो आपके पास इंटीजर वैल्यू आ गई है फ्लोर फंक्शन का यूज़ करके, ओके, स्मॉलर देन द नंबर, राइट। तो देखो आपने क्या किया, मॉड्यूल से एक साथ मल्टीपल फंक्शंस को इंपोर्ट किया है, राइट। नेक्स्ट मेथड है आपका इंपोर्ट स्टार स्टेटमेंट, ओके। इंपोर्ट स्टार स्टेटमेंट कैन बी यूज टू इंपोर्ट ऑल द एट्रीब्यूट्स इन फंक्शन फ्रॉम अ मॉड्यूल, राइट। तो किसी भी मॉड्यूल के सारे फंक्शन और सारे एट्रीब्यूट्स यूज करने के लिए आप क्या स्टेटमेंट यूज करोगे, फ्रॉम मॉड्यूल नेम, मॉड्यूल का नेम, इंपोर्ट स्टार, राइट। तो इससे क्या होगा, उस मॉड्यूल की, उस पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर जो भी प्रेजेंट है, जितने भी फंक्शन, जितने भी एट्रीब्यूट्स प्रेजेंट है, वो सारे आपके प्रोग्राम में इंपोर्ट हो जाएंगे, राइट। वी कैन एक्सेस एनी फंक्शन विच इज़ इनसाइड अ मॉड्यूल बाय द मॉड्यूल
नेम एंड फंक्शन नेम सेपरेटेड बाय अ डॉट। ये तो आपको पता ही है कि अगर आपको एक पर्टिकुलर मॉड्यूल का कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शन यूज करना है तो आप क्या करोगे, मॉड्यूल का नेम डॉट फंक्शन का नेम, राइट। दिस फॉर्मेट इज नॉन एज डॉट नोटेशन। तो यहाँ पे जो थर्ड स्टेटमेंट है हमारी इम्पोर्ट स्टार स्टेटमेंट, इसको अभी एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम इम्पोर्ट स्टार्ट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। मैंने लिया फ्रॉम हम यहाँ पे लेंगे स्टेटिस्टिक्स मॉड्यूल, ठीक है। स्टेटिस्टिक्स मॉड्यूल से आपने किया इम्पोर्ट, राइट, स्टार, इम्पोर्ट स्टार। तो अब स्टेटिस्टिक्स मॉड्यूल के जितने भी फंक्शंस हैं, एटीब्यूट्स हैं, वो आपके प्रोग्राम में इम्पोर्ट हो चुके हैं, राइट। तो मैं इसको यूज़ करूँगी। मैंने यहाँ पे किया, यहाँ पे लिखा मैंने मीन फंक्शन का यूज़ किया, राइट। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, सिक्वेंस लूँगी जिसका वो मीन निकालेगा। तो मैंने यहाँ पे सिक्वेंस ले ली 4, 6, राइट, 7, 8, 10 और 45, राइट। ओके, मैंने सिक्वेंस ले लिया, ओके, एंड देन प्रेस एंटर। आपके पास आ गया मीन, आ गया, ओके। अब क्या करते हैं, इसके और फंक्शन का यूज़ करके देखते हैं, फाइन। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट फंक्शन का यूज़ करती हूँ, मैं मीडियन निकालती हूँ, ओके। तो मीडियन क्या है, मिडल वैल्यू आपके पास निकल के आ जाएगी। मैंने लिखा मीडियन, ओके। और यहाँ पे हम सीक्वेंस ले लेते हैं जिसका आपको क्या निकालना है, मीडियन निकालना है 1, 2, 3, ओके, एंड 4 एंड 5। तो क्या होगा, इसकी मिडल वैल्यू निकल के आ जाएगी। मीडियन क्या होता है, मिडल वैल्यू होती है, राइट। ये आपके पास आ गया 3 इज़ द मिडल वैल्यू, ओके। तो देखो, स्टेटिस्टिक्स मॉड्यूल के जितने भी आपके पास फंक्शंस थे वो सारे क्या हो चुके हैं, इम्पोर्ट हो चुके हैं बाय यूजिंग द फ्रॉम स्टेटिस्टिक्स इम्पोर्ट स्टार स्टेटमेंट से, राइट। नेक्स्ट वी हैव मॉड्यूल एलियसिंग। मॉड्यूल एलियसिंग क्या है, रीनेमिंग अ मॉड्यूल एट द टाइम ऑफ इम्पोर्ट। जब आप मॉड्यूल को इम्पोर्ट करते हो आप उसको रीनेम करते हो, राइट, मीन्स आप उसको एक दूसरा नाम देते हो, उसको क्या बोलते हैं, मॉड्यूल एलियसिंग बोलते हैं। और ये आप कैसे करते हो, बाय यूजिंग द एस कीवर्ड, ओके। इसका सिंटेक्स क्या है, इम्पोर्ट, आपने इम्पोर्ट किया मॉड्यूल का नेम एस एलियस नेम। तो यहाँ पे मान लो कोई आपका मॉड्यूल का नेम है मैथ, राइट, और मैंने उसको एक निक नेम दे दिया, एलियस नेम दे दिया, मैंने उसको दे दिया एम, एस एम। तो आप अगर किसी भी फंक्शन को कॉल करना चाहते हो, इम्पोर्ट करना चाहते हो मैथ मॉड्यूल के, तो आप क्या कर सकते हो, एम डॉट उस पर्टिकुलर फंक्शन का नेम। आपको कंप्लीट मैथ लिखने की जरूरत नहीं है, राइट। जैसे यहाँ पे मैं लिखा इम्पोर्ट मैथ एस एम, ओके। अब मैं क्या करूँगी, मैथ मॉड्यूल को कंप्लीट नहीं लिखूँगी, मैंने लिख दिया एम डॉट स्क्वेयर रूट एस क्यू आर टी स्क्वेयर रूट, ओके। और मैंने यहाँ पे लिख दिया 50 का मुझे स्क्वेयर रूट निकालना है, फाइन, एम डॉट स्क्वेयर रूट, राइट। तो आपका स्क्वेयर रूट निकल के आ गया, आपको पूरा मैथ नहीं लिखना पड़ा। तो एलियस क्या नेम, एलियस नेम क्या होता है, निक नेम होता है, राइट। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया इम्पोर्ट और आपका मॉड्यूल क्या है, रैंडम मॉड्यूल, ठीक है, रैंडम मॉड्यूल, और उसको मैंने कर दिया एस आर, ओके। और मैंने यहाँ पे लिखा आर डॉट रैंडम। रैंडम क्या है, रैंडम फंक्शन है, ओके। रैंडम फंक्शन किसका फंक्शन है, रैंडम मॉड्यूल का फंक्शन है, फाइन। तो यहाँ पे क्या जनरेट करेगा, ये 0 से 1 के बीच में कोई भी एक रैंडम वैल्यू को जनरेट कर देगा, ठीक है, आ गया, 0 से 1 के बीच में कोई भी एक रैंडम वैल्यू जनरेट करती है, फाइन। तो यहाँ पे आर एंड एम क्या है, एलियस नेम है मॉड्यूल्स के, ओके। इनके मैथ मॉड्यूल को करेंगे और इसके डिफरेंट फंक्शंस को भी देखेंगे, ओके। पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी प्रोवाइड्स अ मॉड्यूल नेमली मैथ फॉर मैथ रिलेटेड फंक्शन। तो पाइथन की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी आपको एक मॉड्यूल प्रोवाइड करती है जिसका नाम मैथ मॉड्यूल है, राइट। मैथ मॉड्यूल में क्या है, मैथ रिलेटेड फंक्शन है डेट वर्क्स विद ऑल द नंबर टाइप्स, जो जितने भी नंबर टाइप्स हैं सबके साथ काम करती है, जैसे आपका इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, राइट, एक्सेप्ट फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन ये जो फंक्शंस हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ वर्क नहीं करते हैं, राइट। In order to use all the functions of math module in your program, you need to import it. अगर आपको math module के सारे functions अपने program में चाहिए, अपनी Python script में चाहिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको math module को import करना पड़ेगा, right? तो इसके लिए statement क्या होती है, import math, okay? Then you can use math module's functions as, और अगर आपको math module के specific function use करने हैं तो आप उसको कैसे use कर सकते हो, with the help of dot notation, math dot function name, जो भी function आपको use करना है उसका आप यहाँ पे नेम दे दोगे, राइट।
First we have seal function, okay? The mat.seal method rounds a number of words. तो seal method क्या करेगा, किसी भी floating point number को, fractional value को round off करेगा, right? Because अगर आप fractional value नहीं दे रहे हो तो as it is आ जाएगा. Round off हम किसका करते हैं, जहाँ पे हमारे पास fractional value होती है. तो ये fractional value को round off करेगा. कैसे round off करेगा, upwards to near to its nearest integer, ठीक है? तो जो भी number है उसका जो बिल्कुल nearest integer होगा उससे आगे, उससे बड़ा, ओके, उसमें उसको कन्वर्ट कर देगा और आपके पास रिजल्ट आ जाएगा. तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, इम्पोर्ट मैथ, राइट? ओके, आपने इम्पोर्ट कर लिया मैथ मॉड्यूल को. अब हम इसका सील फंक्शन देखेंगे. आपने किया मैथ डॉट सील. सील फंक्शन में अब देखो, मैंने ऐसे यहाँ पे लिया 3.4 ले लिया, ओके. तो ये क्या करेगा सील फंक्शन, इससे जो अबव इंटीजर होगा, नियरेस्ट इंटीजर, उसमें इसको राउंड ऑफ कर देगा. तो यहाँ पे देखो आंसर 4 आ गया आपके पास, ओके. और आप एक एग्जांपल और ले लो, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया सील, ओके, और मैंने ले लिया 25.9 या 25.6 ले लो आप यहाँ पर, ओके, 26 आ गया, ठीक है. इससे देखो जो नंबर है उससे क्या है, अबव है ये, राइट? तो राउंड ऑफ क्या होगा, अबव इंटीजर में होगा, फाइन. आप यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे एक नेगेटिव नंबर ले लिया, मैंने यहाँ पे नेगेटिव नंबर आप ले लो -2.5, ओके. अब देखो -2 आ गया है, राइट? ये इससे क्या है, 2.5 से अबव है, ओके. देन एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, मैट डॉट सील, ओके, 1.03, ओके, तो देखो 2, फाइन. तो सील क्या करेगा, राउंड ऑफ कर देगा. अगर मान लो मैं इसमें इंटीजर वैल्यू लेती हूँ, फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं लेती, मैट डॉट सील 25, तो यहाँ पे राउंड ऑफ तो होना ही नहीं है, तो एज इट इज आंसर आ जाएगा, फाइन. नेक्स्ट इज फ्लोर फंक्शन. मैट डॉट फ्लोर मैथड राउंड्स अ नंबर डाउनवर्ड्स टू इट्स नियरेस्ट इंटीजर. तो यहाँ पे फ्लोर फंक्शन भी क्या कर रहा है, फ्रैक्शनल वैल्यू को राउंड ऑफ कर रहा है, लेकिन ये किस वे में राउंड ऑफ कर रहा है, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, नियरेस्ट इंटीजर जो उस पर्टिकुलर नंबर से छोटा है. मान लो आपको 2.5 को राउंड ऑफ करना है, तो यहाँ पे 2.5 से छोटा क्या होगा, 2 होगा नियरेस्ट इंटीजर, तो ये किस में कन्वर्ट कर देगा, 2 में. अगर आप सील फंक्शन लेते तो ये किस में कन्वर्ट कर देता है, इसको 3 में कन्वर्ट कर देता, ठीक है. तो देखो डाउनवर्ड्स इट्स नियरेस्ट इंटीजर एंड रिटर्न्स द रिजल्ट, फाइन. अब देखो यहां पे मैंने लिखा मैथ डॉट फ्लोर, राइट, 2.5 हम ले लेते हैं, तो क्या आंसर आ गया, 2 आ गया, ओके. डाउनवर्ड टू द नियरेस्ट इंटीजर, राइट, इस नंबर से जो, इस नंबर के जो नीचे या इसके पीछे जो नियरेस्ट इंटीजर है वो 2 है. अगर मैं इसमें सील लेती, मान लो सील फंक्शन का यूज करती, तो क्या होता, ये इसको क्या करता, इसको ये राउंड ऑफ करता, लेकिन टू द अबव इंटीजर 2.5, तो इसको ये किस में कन्वर्ट कर देता, 3 में, ओके. मैंने फ्लोर लिया है फिर से, मैथ डॉट सील, राइट, अगर मैं इसको लेती 2.5, किस में कन्वर्ट कर देता, ये 3 में कन्वर्ट कर देता, राइट. और इसके एग्जांपल देख लेते हैं, मैंने यहाँ पे दिया मैथ डॉट फ्लोर, ओके, मैंने यहाँ पे लिया 100.72, राइट, आंसर क्या आ गया आपके पास, 100 आ गया, जो 100.72 से छोटा है ऑब्वियसली, राइट. अब देखो एक नेगेटिव नंबर का भी आप ले लो यहाँ पे, मैथ डॉट फ्लोर, और मैंने यहाँ पे ले लिया माइनस यहाँ पे 45.17, ओके, -46 आ गया, जो कि से -45. इससे क्या है, छोटा है ये नंबर, ठीक है, नेगेटिव नंबर है, तो ये इससे छोटा है, राइट. तो फ्लोर में क्या है, नियरेस्ट इंटीजर जो इस पर्टिकुलर नंबर से छोटा हो, जो भी नंबर आप पास कर रहे हो फ्लोर फंक्शन के अंदर, फाइन. नेक्स्ट फंक्शन है आपका स्क्वेयर रूट फंक्शन, राइट. द मैट डॉट स्क्वेयर रूट मेथड रिटर्न्स द स्क्वेयर रूट ऑफ अ नंबर. तो स्क्वेयर रूट फंक्शन की हेल्प से आप किसी भी नंबर का स्क्वेयर रूट निकाल सकते हो, ओके. इफ नंबर इज स्मॉलर देन 0, डोमेन एरर अकर्स. अगर आप जो नंबर ले रहे हो 0 से छोटा है, माइनस में है, तो यहाँ पे क्या होगा, डोमेन एरर आ जाएगी, ओके. ओके, हमारे पास मैथ मॉड्यूल इंपोर्ट है, तो अब क्या करेंगे, इसके स्क्वायर रूट फंक्शन का यूज़ करोगे, मैथ डॉट एस क्यू आर टी. अब यहाँ पे मान लो मैंने लिया 81 का स्क्वायर रूट, मुझे 81 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो आपके पास देखो फ्लोट में रिजल्ट आया 9.0, ओके. और आप एग्जांपल ले सकते हो स्क्वायर रूट के, यहाँ पर, यहाँ पे मैंने लिखा मैथ डॉट एस क्यू आर टी स्क्वायर रूट,
और यहाँ पे हमें निकालना है स्क्वायर रूट, ले लो आप 49 का, राइट तो आपका आ गया 7.0। ओके फ्लोट में इसका रिजल्ट आएगा, फाइन। अब देखो अगर मैं नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकालना चाहती हूँ तो क्या होगा, मेरी डोमेन एरर आ जाएगी, मैथ डॉट एस क्यू आर टी स्क्वायर रूट -49, क्योंकि ये जीरो से छोटा है, ठीक है। आपको देखो यहाँ पे मैथ डोमेन एरर आ गया है, बिकॉज यहाँ पे आपने क्या किया है, आप जीरो से छोटे नंबर का स्क्वायर रूट निकाल रहे हो, ओके। और एक और निकाल के देख लेते, मैथ डॉट एस क्यू आर टी स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट आपने यहाँ पे निकाला 65 का स्क्वायर रूट, तो ये आपका 65 का स्क्वायर रूट आ गया, ओके। नेक्स्ट वी हैव पावर फंक्शन, द मैथ डॉट पावर, यहाँ पे आपने क्या किया, पैरामीटर्स पास किए, एक्स वाई फंक्शन रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ एक्स रेज टू द पावर ऑफ वाई, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्स है वो उसकी पावर क्या बन जाएगी, वाई बन जाएगी, एक्स रेज टू द पावर वाई, ओके। एक्स एंड वाई मे बी एन इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, यहाँ पे जो एक्स एंड वाई है वो इंटीजर्स भी हो सकते हैं और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स भी हो सकते हैं, ओके। जैसे आपने लिखा मैथ डॉट, अब यहाँ पे हम पावर लेते हैं पावर 2 raised to power 4 लेते हैं, 2 raised to power 4, ओके रिजल्ट आपके पास आ गया 16, 2 raised to power 4 आपके पास रिजल्ट आ गया 16, ठीक है। फ्लोट में रिजल्ट आया है, एक लेते हैं मैथ डॉट पार, ओके। तो यहाँ पे मैंने 3 की पार क्या ली है, 0 ली है, तो क्या आपका रिजल्ट आ जाएगा 1.0 आ जाएगा फ्लोट में, ठीक है, 1.0, ओके। 3 raised to power 0 क्या हो गया, 1.0, ओके। नेक्स्ट हम ले लेंगे मैथ डॉट पार, अब आप यहाँ पे क्या करो, दोनों नंबर फ्लोट में भी ले सकते हो, ओके। तो हम क्या करेंगे, दोनों नंबर फ्लोट में लेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया 4.0 एंड 2.0, फाइन, आपका आ गया 16.0, राइट, ओके। एंड यहाँ पे मैथ डॉट पार एक एग्जांपल और ले लेते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिया 100 एंड पार मैंने ले लिया नेगेटिव में -2, राइट, ओके। तो इस नेक्स्ट वी हैव फेव्स फंक्शन, ठीक है। द मैथ डॉट फेव्स फंक्शन रिटर्न्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर, तो फेव फंक्शन क्या करता है, किसी भी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू को रिटर्न करता है, ओके। और किस फॉर्म में रिटर्न करता है, फ्लोट की फॉर्म में रिटर्न करता है, ओके। फ्रैक्शनल वैल्यू में आपका रिजल्ट आएगा, ओके। एब्सोल्यूट, अब एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, एब्सोल्यूट डिनोट्स अ नॉन नेगेटिव नंबर। अगर मान लो आपने -5 पास किया, ठीक है, फेव फंक्शन के अंदर, तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, इसका जो नेगेटिव साइन है वो रिमूव हो जाएगा, 5.0 आ जाएगा, राइट, ओके। क्योंकि एज अ फ्लोट उस रिजल्ट को आपको देता है, ठीक है। एब्सोल्यूट डिनोट्स नॉन नेगेटिव नंबर, दिस रिमूव द नेगेटिव साइन ऑफ द वैल्यू इफ इट हैज़ एनी, अगर किसी भी वैल्यू में नेगेटिव साइन है तो एब्सोल्यूट फंक्शन क्या करेगा, इसको रिमूव कर देगा, फाइन। लेकिन फेव फंक्शन क्या करता है, रिजल्ट को फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्म में देता है, अनलाइक पाइथन एब्सोल्यूट फंक्शन। जो पाइथन का एब्सोल्यूट फंक्शन है वो क्या करता है, दिस मैटर ऑल, अच्छा, अनलाइक पाइथन एब्सोल्यूट फंक्शन दिस मैटर ऑलवेज कन्वर्ट्स द वैल्यू टू अ फ्लोट वैल्यू। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है, जो फेव्स फंक्शन है फ्लोटिंग पॉइंट एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है, और जो आपका एब्सोल्यूट फंक्शन है पाइथन का वो इंटीजर फॉर्म में रिजल्ट आपको देता है, राइट। अब देखो यहाँ पे मैंने एब्सोल्यूट फंक्शन का यूज़ किया, ठीक है, इसमें मैंने -5 दिया, आपके पास 5 आ गया, माइनस जो साइन था वो रिमूव हो गया और इंटीजर फॉर्म में आपका रिजल्ट आया। लेकिन अगर मैं मैथ मॉड्यूल के फेव्स फंक्शन का यूज़ करती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे इसमें मैंने -5 पास किया, तो क्या होगा, इसका साइन तो रिमूव हो जाएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू तो आ जाएगी लेकिन फ्लोट फॉर्म में आएगी, ठीक है। यहाँ पे आपके पास आ गया 5.0, ओके। और इसके कुछ और यहाँ पे देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे दिया मैथ डॉट फैब्स, ओके, मैंने यहाँ पे सिंपल दे दिया, ठीक है, मैंने कोई यहाँ पे साइन नहीं दिया, मैंने 25.5 दे दिया, तो क्या होगा, एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई नेगेटिव साइन है ही नहीं, तो एज इट इज़ आ जाएगा, ओके। या फिर मैंने दिया मैथ डॉट फैब्स, मैंने यहाँ पे दे दिया 200, ओके। तो देखो 200.0, तो ये फ्लोट फॉर्म में आया है, राइट, फ्लोट फॉर्म में आया आपका, राइट। अब देखो अगर मैं एक एग्जांपल और ले लेती हूँ, यहाँ पे मैथ डॉट फेव्स,
माइनस 200, ओके एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई है, जो माइनस का साइन था वो रिमूव हो गया, लेकिन ये जो रिजल्ट आया वो फ्लोट फॉर्म आया है, ओके. नेक्स्ट वी हैव डिग्रीज फंक्शन, ठीक है. द मैट डॉट डिग्रीज मैथड कन्वर्ट एन एंगल फ्रॉम रेडियंस टू डिग्रीज. तो डिग्रीज फंक्शन क्या करता है, अगर आप इसके अंदर रेडियंस पास करते हो तो उसको वो डिग्रीज में कन्वर्ट कर देगा, राइट. अगर आपने रेडियंस की फॉर्म में, देखो यहाँ पे देखो मैं शो कर देती हूँ रेडियंस क्या है. दिस कंप्लीट जो आपका आर्क बना है दिस इज वन रेडियन, ठीक है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो 0 degree इक्वल्स टू 0 radian, 30 degree इज इक्वल टू पाई बाय 6 radian, 45 degree जो आपका एंगल है वो किसके इक्वल है, पाई बाय 4 radians. तो यहाँ पे क्या है, जो डिग्रीज मेथड है आप इसके अंदर अगर कोई भी रेडियन पास करते हो, आपने पाई बाय 6 पास किया तो आपको क्या मिलेगा, 30 degree मिलेगा. आपने पाई बाय 4 पास किया तो आपको 45 degree मिलेगा. तो यहाँ पे रेडियंस को पास करोगे अगर आप डिग्रीज मेथड के अंदर, तो ये आपको डिग्रीज बता देगा कि इस रेडियन की ये डिग्री है, इस रेडियन की ये डिग्री है, ओके. देखो यहाँ पे चार्ट भी है जिसमें बताया गया कि कितने डिग्री, कितना रेडियन कंसीडर होता है. 0 degree 0 radian, 30 degree पाई बाय 6 radian, 45 degree पाई बाय 4 radian, लाइक दिस, ओके. तो आपका डिग्री मेथड क्या करता है, रेडियंस को कन्वर्ट करता है डिग्री में. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैथ डॉट पाई कांस्टेंट से पाई की वैल्यू ले लेते हैं. पाई की वैल्यू आ गई है, ओके. अब मैंने क्या किया, मैथ डॉट डिग्री, डिग्रीज, ओके डिग्रीज. इसके अंदर मैंने किया, अब मैं यहाँ पे चाहती हूँ 90 degree. तो मैंने यहाँ पर देखो पाई की वैल्यू को कॉपी किया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, पाई बाय 2, 90 डिग्री होता है पाई बाय 2 आपका 90 डिग्री होता है, ओके. तो ये आपका आ गया 90 डिग्री, ओके. तो ये आपने क्या दिया था, यहाँ पे पाई बाय 2 किसकी वैल्यू थी, रेडियंस की वैल्यू थी. रेडियंस की वैल्यू को डिग्रीज फंक्शन ने क्या किया, डिग्री में कन्वर्ट कर दिया, ओके. एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम. यहाँ पे मैंने लिया मैथ डॉट डिग्रीज, ओके. पाई की वैल्यू हमारे पास है, कंट्रोल वी, ओके. और अगर यहाँ पे मैं सिर्फ पाई लेती हूँ तो पाई किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के, राइट. तो यहाँ पे देखो 180 डिग्री आ गया आपका. तो जो रेडियंस की वैल्यू आपने ली थी, ओके, डिग्रीज फंक्शन ने उसे क्या किस में कन्वर्ट कर दिया, उसको डिग्री में कन्वर्ट कर दिया. एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम यहाँ पे, मैथ डॉट डिग्रीज. अच्छा, अगर 360 डिग्री चाहिए तो मैं 2 पाई करूँगी, 2 into pi, पाई की वैल्यू मेरे पास है 2 into pi, तो यहाँ पे मेरा 360 डिग्रीज आ जाएगा, राइट. तो ये देखो, ये आपने रेडियंस को डिग्रीज फंक्शन में पास किया और डिग्रीज फंक्शन ने क्या किया, रेडियंस को कन्वर्ट कर दिया डिग्रीज में, ओके. नेक्स्ट वी हैव रेडियंस मेथड, ओके. द मैथ डॉट रेडियंस मेथड इज यूज टू कन्वर्ट एन एंगल फ्रॉम डिग्रीज टू रेडियंस. तो रेडियंस फंक्शन क्या करता है, अगर आप इसके अंदर डिग्रीज को पास करते हो, किसी भी एंगल की डिग्री को पास करते हो, वो उसको रेडियंस में कन्वर्ट कर देगा, फाइन. जैसे आपने यहाँ पे 30, मान लो आपने रेडियंस मेथड के अंदर 30 डिग्री को पास किया तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पाई बाय 6 में. आपने 45 डिग्री को पास किया तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पाई बाय 4 में, ओके. जैसे एग्जांपल देते हैं, मैंने यहाँ पे दिया मैथ डॉट रेडियंस और इसके अंदर मैंने 90 डिग्री दे दिया, ओके. मैथ डॉट 90 डिग्री दे दिया तो इसको कन्वर्ट कर देगा ये पाई बाय 2 में, राइट. इसका रिजल्ट ही आया है. अब अगर देखो मैं इसको यूज़ करती हूँ, देखो मैंने यहाँ पे किया पाई की वैल्यू क्या है आपकी, पाई की वैल्यू हम ऊपर से उठा लेते हैं, ये हमारी पाई की वैल्यू है, ठीक है. कंट्रोल सी, अगर मैंने यहाँ पे किया कंट्रोल वी बाय पाई बाय 2, ठीक है. तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये सेम आ जाएगा रिजल्ट, राइट. आया है सेम. तो देखो यहाँ पे 90 डिग्री किस में कन्वर्ट हुआ है, पाई बाय 2 में कन्वर्ट हुआ है. दिस इज़ पाई बाय 2. आपने यहाँ पे करके भी देख लिया, पाई बाय 2 आपका क्या आ गया, ये आ गया है. तो आपने 90 डिग्री को कन्वर्ट कर दिया रेडियंस के अंदर, फाइन. ऐसे ही मैं यहाँ पे करती हूँ मैथ डॉट रेडियंस और यहाँ पे मैं 180 डिग्री करती हूँ. 180 डिग्री किसके इक्वल होता है, आपका पाई के इक्वल होता है. तो देखो आ गई पाई की वैल्यू, मैथ डॉट पाई की वैल्यू भी सेम होगी, मैथ डॉट पाई सेम वैल्यू है देखो, राइट. तो यहाँ पे रेडियन फंक्शन क्या करता है, अगर आप इसके अंदर डिग्रीज को पास करते हो तो उसको रेडियंस में कन्वर्ट कर देता है, ओके. नेक्स्ट वी हैव लॉग टेन मेथड.
The math.log10 method returns the base 10 logarithm of a number. तो math.log10 method आपका क्या return करेगा? Base 10 logarithm, किसी भी number का base 10 logarithm वो return करेगा, okay? It returns a float value, जो result आएगा वो float form में आएगा, representing the base 10 logarithm of a number, right? If the value is 0, negative number, अगर value आपने जो ली है वो 0 है या negative है, तो क्या आ जाएगा? Error आ जाएगा, value error. If the value is not a number, it returns a type error. अगर वैल्यू जो आपने इसके अंदर पास की है वो क्या है, नंबर नहीं है, तो टाइप एरर आ जाएगा. ठीक है, अब लॉगरिथम आपको बेटा निकालना आता है, आपने मैथ्स में किया. जैसे यहाँ पे देखो लॉग 10, यहाँ पे आपने 100 का लॉग 10 निकालना है, राइट? तो आप कैसे निकालोगे? यहाँ पे 10^x, राइट? लॉग 10 100 इज इक्वल टू x, अगर आपने लिया है तो 10^x इज इक्वल टू 100 हो जाएगा. तो यहाँ पे x इसके इक्वल आएगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो s इज इक्वल टू द 2, राइट? तो यहाँ पे 100 का लॉग 10 क्या आएगा? रिजल्ट 2 आएगा. फाइन, ओके. जैसे हम यहाँ पे इसको करके देखते हैं, मैथ, ओके, मैथ डॉट लॉग 10, लॉग 10 यहाँ पे हम किसका निकाल रहे हैं? 100 का निकाल रहे हैं लॉग 10. तो देखो आपका रिजल्ट क्या आएगा, ओके, 2. 10^2 इज इक्वल टू 100. फाइन, तो यहाँ पे आपका फ्लोट में रिजल्ट आएगा 2.0. ऐसे ही मैंने यहाँ पे निकाला मैथ डॉट लॉग 10, 1000 का निकालो. ठीक है, तो क्या होगा? 10^3 इज इक्वल टू द 1000, तो रिजल्ट क्या आएगा? 3.0. ओके, 3.0. ऐसे ही आपको लॉग 2 निकालना है अगर किसी नंबर का. तो मैंने जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया मैथ डॉट लॉग 2, लॉग 2 निकालना मुझे 16 का, क्या रिजल्ट आएगा आपका? 4 आएगा. फाइन, 2^4 इज इक्वल टू 16, 4 आ गया, 4.0. ओके, राइट? तो लॉग 10, लॉग 2 आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव साइन फंक्शन. ओके, द मैट डॉट साइन मेथड रिटर्न्स द साइन ऑफ अ नंबर. मैट डॉट साइन मेथड क्या करता है? किसी भी नंबर की साइन वैल्यू निकालता है, राइट? तो आप बेटे आपने मैथ्स में किया हुआ है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट सेक, कॉस सेक, राइट? ओके, तो यहाँ पे मैं इसकी बेसिक डिटेल्स में नहीं जाऊँगी, सिंपली हम इस फंक्शन को देखेंगे. अब यहाँ पे देखो नोट दिया, टू फाइंड द साइन ऑफ डिग्रीज, अगर आपने डिग्रीज में वैल्यू को पास किया है साइन फंक्शन में, इट मस्ट फर्स्ट बी कन्वर्टेड इंटू रेडियंस. तो सबसे पहले जो आपने डिग्रीज में दिया है, मान लो आपने 30 डिग्री में दिया है, 45 डिग्री में दिया है, तो पहले इसको रेडियंस में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद ही, ओके, फर्स्ट कन्वर्ट इनटू रेडियंस विद द मैट डॉट रेडियंस मेथड, उसके बाद इसका साइन निकलेगा. फाइन, ओके, अगर आपने डिग्रीज में वैल्यू को पास किया है साइन मैथ डॉट साइन फंक्शन के अंदर, तो इसका जो साइन वैल्यू है वो कैसे निकलेगी? पहले वो रेडियंस में कन्वर्ट होगी, फिर उसका साइन वैल्यू निकलेगी. ओके, दिस मेथड रिटर्न्स अ न्यूमरिक वैल्यू बिटवीन -1 and 1. जो आपका साइन फंक्शन होता है न्यूमरिक वैल्यू पास करता है -1 and 1 के बीच में, विच रिप्रेजेंट द साइन ऑफ द एंगल. ओके, जो क्या रिप्रेजेंट करता है? किसी भी एंगल का साइन वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है. ओके, ओके, तो यहाँ पे हम साइन का एग्जांपल लेंगे. मैंने यहाँ पे लिया मैथ डॉट साइन, और यहाँ पे मैंने एक नंबर पास कर दिया 3, राइट? तो आपके पास रिजल्ट आ गया इसका 3, जो आपने नंबर पास किया था उसकी साइन वैल्यू निकल के आ गई है. ओके, अब मुझे क्या करना है? 30 डिग्री का निकालना है साइन वैल्यू. तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, डायरेक्ट 30 डिग्री का तो नहीं निकाल सकती, मैं क्या करूँगी यहाँ पे, सिंपली मैथ डॉट साइन, ओके, देन मैथ डॉट रेडियंस 30. तो जो 30 डिग्री आपने यहाँ पे लिया है, 30 डिग्री का एंगल है, राइट? रेडियंस फंक्शन क्या करेगा? उसे कन्वर्ट कर देगा रेडियंस में, और उसके बाद साइन फंक्शन उसे कन्वर्ट कर देगा साइन वैल्यू में, राइट? 30 की जो साइन वैल्यू आएगी. फाइन, तो इसको अगर हम करते हैं तो आपके पास रिजल्ट आ गया. ओके, तो 30 का जो साइन वैल्यू है वो ये है, राइट? अगर आप इसको ऐसे करके देखना चाहते हो, देखो मैंने किया क्या, मैथ डॉट साइन, ओके, मैथ 30 की जो रेडियंस होती है, 30 की जो रेडियन वैल्यू होती है वो क्या होती है? वो होती है हमारी π/6, राइट? तो मैंने यहाँ पे कर दिया मैथ डॉट π/6, राइट? सेम वैल्यू आई है. तो ये किसकी वैल्यू है? ये किसका साइन निकला है? 30 डिग्री जो आपने इसमें पास किया था उसका ये साइन वैल्यू निकला है. फाइन, ओके, राइट?
Next we have cos method. The math dot cos method returns the cosine of a number. तो math dot cos method किसी भी number का cosine निकालता है, return करता है. Okay. To find the cosine of degrees. अगर आपको क्या करना है कि degrees की 0 degree, 30 degree, 45 degrees का आपको cosine निकालना है, तो आपको क्या करना होगा? आपको पहले degrees को convert करना होगा radians में. Okay. It must first be converted into radians with the math dot radians method. Right. तो math dot radians method use करके आप degrees को कन्वर्ट करेंगे रेडियंस में, फिर रेडियंस कन्वर्ट होगा कोसाइन में. ओके, दिस मेथड रिटर्न्स अ न्यूमेरिक वैल्यू बिटवीन -1 and 1. तो ये मेथड न्यूमेरिक वैल्यू रिटर्न करता है -1 and 1 के बीच में, विच रिप्रेजेंट द कोसाइन ऑफ द एंगल, जो किसी भी एंगल का, किसी भी नंबर का कोसाइन वैल्यू होता है. राइट. ओके, तो यहाँ पे मैंने लिखा मैथ डॉट कॉस. कॉस के अंदर आपने कोई भी वैल्यू ली, जैसे मैंने यहाँ पे लिया -4, तो इसका कोसाइन वैल्यू निकल के आ गई है. ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे डिग्रीज का कोसाइन निकालना है. मान लो मुझे 45 डिग्रीज का निकालना है, तो मैं लिखूंगी मैथ डॉट कॉस. राइट, और मैं यहाँ पे लिखूंगी, कन्वर्ट करूँगी मैथ डॉट रेडियंस. ओके, और रेडियंस में 45 डिग्री को पहले कन्वर्ट करूँगी मैं रेडियंस में, और उसके बाद वो कन्वर्ट होगा कॉस में. राइट, देखो आपके पास रिजल्ट आ गया, 45 डिग्री को आपने कन्वर्ट किया रेडियंस में, फिर रेडियंस को कन्वर्ट किया कोसाइन में. ओके, और आप इसको अगर चेक करना चाहते हो, तो देखो मैंने यहाँ पे किया मैथ डॉट कॉस. राइट. ओके, अब जो आपका 45 डिग्री से है, राइट, वो रेडियंस में क्या होता है, π/4. तो मैंने यहाँ पे लिखा मैथ डॉट π/4. ओके, सेम रिजल्ट है दोनों का, 45 डिग्री का. राइट. ओके, नेक्स्ट इज टेन मेथड. ओके, द मैथ डॉट टेन मेथड रिटर्न्स द टेंजेंट ऑफ अ नंबर. किसी भी नंबर का अगर आपको टेंजेंट निकालना है, तो आप क्या करोगे, उसे टेन फंक्शन के अंदर पास करोगे, मैथ के टेन मेथड के अंदर उसको पास करोगे. राइट, टू फाइंड द टेंजेंट ऑफ डिग्रीज. अब मान लो आप यहाँ पे टेन फंक्शन के अंदर डिग्रीज को पास करते हो, तो ये कन्वर्ट कैसे होगा टेंजेंट में. डिग्रीज को कन्वर्ट करने के लिए पहले आप इसको कन्वर्ट करोगे रेडियंस में, और फिर रेडियंस कन्वर्ट होगा टेंजेंट में. राइट, तो यहाँ पे क्या लिखा है, इट मस्ट बी फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू रेडियंस विद द हेल्प ऑफ मैथ डॉट रेडियंस मेथड. आप मैथ डॉट रेडियंस मेथड की हेल्प से डिग्रीज को कन्वर्ट करोगे रेडियंस में, और फिर रेडियंस कन्वर्ट होगा टेंजेंट में. ओके, दिस मेथड रिटर्न्स अ न्यूमेरिक वैल्यू बिटवीन -1 and 1. तो जो भी रिजल्ट आता है वो -1 and 1 के बीच में आता है. ओके, विच रिप्रेजेंट द टेंजेंट ऑफ अ एंगल, जो किसी भी एंगल या नंबर का टेंजेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है. फाइन. ओके, तो मान लो मुझे यहाँ पे मैथ डॉट 10 5 का 10 निकालना है, टेंजेंट निकालना है. राइट, तो ये आप वैल्यू आ गई आपके पास. राइट. ओके, अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ मैथ डॉट 10 -5 का टेंजेंट वैल्यू आपको निकालना है. ओके, तो पॉजिटिव में आई हमारे पास. राइट, अब मान लो मुझे डिग्रीज का टेंजेंट वैल्यू निकालना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा मुझे निकालना है 90 डिग्री का, लेट अस सपोज. तो मैं क्या करूँगी, मैथ डॉट 10. राइट, अब क्या करेंगे हम, डिग्रीज को कन्वर्ट करेंगे रेडियंस में. तो मैंने यहाँ पे लिखा रेडियंस में 90 डिग्री पहले रेडियंस में कन्वर्ट होगा, फिर टेंजेंट में कन्वर्ट होगा. यहाँ से ये रेडियंस में कन्वर्ट होगा, और जो भी वैल्यू आएगी वो टेंजेंट में कन्वर्ट होगी. राइट, वैल्यू आ गई आपके पास 1.633 समथिंग. राइट, अगर आप इसको देखना चाहते हो, तो आप कैसे करके कर सकते हो, मैथ डॉट 10. राइट. ओके, तो आपका जो यहाँ पे 90 डिग्री होता है, वो रेडियंस में किस फॉर्म में होता है, π/2 होता है. राइट, तो मैं यहाँ पे करूँगी मैथ डॉट π/2. राइट, तो सेम वैल्यू आ गई है. ओके, अब मान लो अगर आपको मैथ मॉड्यूल के किसी भी फंक्शन के बारे में जानना है, ओके, तो आप क्या कर सकते हो, पाइथन्स की लाइब्रेरी के हेल्प फंक्शन का यूज़ कर सकते हो. मैंने यहाँ पर लिखा HELP हेल्प, हेल्प में मैंने लिख दिया मैथ मॉड्यूल का, मुझे जो फंक्शन जानना है वो SQRT स्क्वायर रूट फंक्शन है. राइट, देखो इसके बारे में आ गया है, रिटर्न्स द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर. आप और किसी फंक्शन के बारे में जानना चाहते हो मैथ मॉड्यूल के, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सील फंक्शन. राइट, सील फंक्शन के बारे में जानना है, तो देखो उसका आ गया पूरा डिस्क्रिप्शन आ गया सील फंक्शन का. इस तरीके से आप हेल्प फंक्शन की हेल्प से, राइट, मैथ मॉड्यूल के किसी भी फंक्शन के बारे में जान सकते हो. ओके,
आप मैथ मॉड्यूल की कांस्टेंट वैल्यूज़ को भी अपनी पाइथन स्क्रिप्ट में इंपोर्ट कर सकते हो। आपने सिंपली क्या किया, इंपोर्ट किया मैथ मॉड्यूल को। अब इसके जितने भी फंक्शंस हैं, जितनी भी इसकी कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, आप उन सबको अपने पाइथन स्क्रिप्ट में यूज़ कर सकते हो, राइट। मान लो मुझे पाई की वैल्यू यूज़ करनी है अपने प्रोग्राम में, तो सिंपली आप क्या करोगे, इसको एक्सेस करने के लिए मैथ डॉट पाई, ओके, आपके पास पाई की वैल्यू आ गई है, इसे आप अपने प्रोग्राम में कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। एक और कांस्टेंट वैल्यू को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, मैथ डॉट ई, ओके, ये क्या है, आपका ऑयलर्स कांस्टेंट है, राइट राइट। अब देखो इसकी वैल्यू आ गई है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये आपका मैथमेटिकल ई कांस्टेंट है, राइट, और इसको आप अपने प्रोग्राम में कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। पाइथन के रैंडम मॉड्यूल का क्या यूज़ है, पाइथन हैज़ अ मॉड्यूल नेमली रैंडम डेट प्रोवाइड्स रैंडम नंबर जनरेटर फंक्शंस। तो पाइथन का रैंडम मॉड्यूल आपको रैंडम नंबर जनरेटर फंक्शंस प्रोवाइड करता है, वो फंक्शंस प्रोवाइड करता है जो रैंडम नंबर्स को जनरेट करते हैं, ओके। द रैंडम नंबर इज अ नंबर जनरेटेड बाय चांस, दैट इज रैंडमली। रैंडम नंबर्स कौन से होते हैं, जो बाय चांस क्रिएट होते हैं, राइट, रैंडमली क्रिएट होते हैं, उनके लिए कोई फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं होता, ओके, कोई भी नंबर कभी भी आ सकता है, राइट। रैंडम नंबर्स कैन बी यूज्ड इन मेनी वेज, और रैंडम नंबर्स का बहुत जगह यूज होता है, लाइक कंप्यूटर गेम्स इन्वॉल्विंग थ्रोइंग अ डाइस, जहाँ पे आप कंप्यूटर गेम्स खेल रहे हो, उसमें क्या करना है, आपको डाइस को थ्रो करना है, राइट। जैसे आप क्या करते हो, स्नेक लैडर खेलते हो, उसमें आप डाइस थ्रो करते हो, वो भी क्या है, रैंडम नंबर आता है, फाइन। तो अगर आप कंप्यूटर गेम्स खेल रहे हो, तो वहाँ पे क्या होगा, रैंडम नंबर जनरेटर फंक्शन की हेल्प से ही रैंडम नंबर्स क्रिएट होंगे, जनरेट होंगे, राइट। पिकिंग अ नंबर, कोई अगर आप नंबर पिक करने वाला गेम खेल रहे हो, और फ्लिपिंग अ कॉइन, आप कॉइन को फ्लिप करने वाला गेम खेल रहे हो, रिकैप्चा लाइक इन लॉगिन फॉर्म्स, जब आप लॉगिन फॉर्म्स फिल करते हो, राइट, उसमें क्या आता है आपके पास, रिकैप्चा आता है, ओके। यूजेस अ रैंडम नंबर जनरेटर टू डिफाइन विच इमेज इज टू बी शोन टू द यूजर, तो यहाँ पे वो रैंडमली सिलेक्ट करता है कि कौन सी इमेज यूजर को दिखानी है, बाय यूजिंग द रैंडम नंबर जनरेटर फंक्शंस, ओके। टू यूज रैंडम नंबर जनरेटर फंक्शन इन योर पाइथन प्रोग्राम, यू फर्स्ट नीड टू इम्पोर्ट द रैंडम मॉड्यूल। अगर आपको रैंडम नंबर जनरेटर फंक्शंस चाहिए अपने पाइथन प्रोग्राम में, तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे, रैंडम मॉड्यूल को इम्पोर्ट करोगे, ओके। रैंडम मॉड्यूल को इम्पोर्ट करोगे, तो आप रैंडम मॉड्यूल के जितने भी फंक्शंस हैं सबको यूज कर सकते हो, राइट, ओके। तो इसका जो पहला फंक्शन है रैंडम मॉड्यूल का, वो है रैंडम फंक्शन, ओके। द रैंडम मेथड रिटर्न्स अ रैंडम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बिटवीन 0 and 1, तो रैंडम फंक्शन क्या करता है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जनरेट करता है 0 and 1 के बीच में, ओके। इसका सिंटेक्स क्या है, रैंडम डॉट रैंडम फंक्शन, तो रैंडम क्या है, मॉड्यूल है, और रैंडम इसका फंक्शन है, फाइन। इट टेक्स नो पैरामीटर, यहाँ पे ये कोई भी पैरामीटर नहीं ले रहा है, एंड रिटर्न्स वैल्यूज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन 0 and 1, ओके। तो 0 and 1 के बीच की वैल्यूज को ये जनरेट करता है, इंक्लूडिंग 0, जिसमें 0 तो इंक्लूड होता है, बट 1 इंक्लूड नहीं होता है, ओके। ओनली लोअर रेंज लिमिट इज इंक्लूसिव, ओके। तो आपको ध्यान रखना है, रैंडम नंबर 0 से लेकर 1 के बीच में फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को जनरेट करता है, जिसमें 0 तो इंक्लूड होता है, बट 1 इंक्लूड नहीं होता है, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे रैंडम मॉड्यूल को। आपने इंपोर्ट कर लिया, अब हम रैंडम मॉड्यूल का रैंडम फंक्शन यूज करेंगे, रैंडम डॉट रैंडम फंक्शन, ओके। तो ये 0 से लेकर 1 के बीच में आपको क्या करेगा, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स देगा, फाइन। देखो आपके पास एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आ गया, जिसमें 0 तो इंक्लूड होगा, बट 1 इंक्लूड नहीं होगा। मैं इसी को क्या करती हूँ, कॉपी कर लेती हूँ, नए, अब देखो फिर से हम इसको करते हैं, कंट्रोल वी सी, ओके, राइट। तो रैंडम नंबर जनरेट हो रहे हैं बिटवीन 0 and 1, ओके, और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स जनरेट होंगे। मान लो आपको एक पर्टिकुलर रेंज में फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स जनरेट कराने हैं यूजिंग रैंडम मॉड्यूल, तो आप कैसे करोगे, तो यहाँ पे आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। मल्टीप्लाई रैंडम फंक्शन विद डिफरेंस ऑफ अपर लिमिट विद लोअर लिमिट, आपको अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट के डिफरेंस से रैंडम फंक्शन को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद एड टू इट लोअर लिमिट, और इसके अंदर लोअर लिमिट को ऐड करना है, ओके। एग्जाम्पल देखो, टू जनरेट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बिटवीन 15 to 35, अगर आपको 15 से लेकर 35 तक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर चाहिए, ओके, तो आप कैसे लिखोगे इसको, कैसे आपका स्टेटमेंट आएगा, रैंडम क्या है आपका मॉड्यूल, डॉट रैंडम फंक्शन, राइट, इनटू, आप यहां पे मल्टीप्लाई कर रहे हो, आप किससे, डिफरेंस से, डिफरेंस ऑफ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, 35 माइनस 15, ओके, और इसमें आप क्या ऐड करोगे, लोअर लिमिट, ओके।
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं अपने रैंडम मॉड्यूल को। रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया, फाइन। और उसके बाद आपने रैंडम, ये आपका मॉड्यूल है डॉट रैंडम फंक्शन, फाइन, रैंडम फंक्शन इन टू, राइट। आपको क्या करना है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स प्रिंट कराने हैं विद इन अ पर्टिकुलर रेंज। तो मेरे को मान लो 35 से लेकर 15 तक प्रिंट कराने हैं, तो यहाँ पे आप लोगे डिफरेंस ऑफ 35 माइनस 15, ओके, प्लस 15, राइट। आपके पास एक रैंडम नंबर आ गया है बिटवीन 35 टू 15, ओके। आप फिर से इसको देखो प्रिंट करा सकते हो, कंट्रोल सी किया मैंने यहाँ पे एंड इसको कर दिया कंट्रोल वी, राइट। एक और रैंडम नंबर आ गया, कंट्रोल वी, राइट। तो ये जो रैंडम नंबर्स आ रहे हैं किसके बीच में आ रहे हैं, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। लोअर लिमिट आपकी 15 है एंड अपर लिमिट आपकी 35 है, ओके। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ रैंडम मॉड्यूल इज रेंड इंट फंक्शन, ओके। रेंड इंट फंक्शन इन पाइथन रिटर्न्स अ रैंडम इंटीजर इन द रेंज इंक्लूडिंग बोथ स्टार्ट एंड एंड पॉइंट्स। तो रेंड इंट फंक्शन क्या करता है, रैंडम इंटीजर जनरेट करता है विद इन द स्पेसिफाइड रेंज, ओके। और इस रेंज में आपका स्टार्टिंग लिमिट भी इंक्लूडेड होती है और एंडिंग पॉइंट भी आपका इंक्लूडेड होता है, ओके। मान लो आपने स्टार्ट दिया 0 और आपने एंडिंग दिया 12, लेट अस सपोज। तो यहाँ पे जो इंटीजर्स जनरेट होंगे उसमें 0 भी इंक्लूड होगा, उसमें 12 भी इंक्लूड होगा, ओके। सिंटेक्स क्या है रेंड इंट का, रेंड इंट एंड आप इसके अंदर दो पैरामीटर्स पास करोगे, स्टार्ट एंड एंड, फाइन। रेंड इंट टेक्स ओनली इंटीजर टाइप पैरामीटर्स, तो इसके अंदर रेंड इंट फंक्शन में आप केवल इंटीजर टाइप के पैरामीटर्स ही पास कर सकते हो एंड जनरेट्स एन इंटीजर टाइप रैंडम वैल्यू, और ये हमेशा इंटीजर टाइप रैंडम वैल्यू ही जनरेट करेगा, ओके। तो यहाँ पे हम रेंड इंट फंक्शन को देखते हैं, रैंडम मॉड्यूल का रेंड इंट फंक्शन। इसमें मैंने मान लो स्टार्टिंग लिमिट दे दी 10 एंड एंडिंग लिमिट दे दी 20, तो दोनों इंक्लूसिव है। आपका रैंडम नंबर 10 भी आ सकता है, 20 भी आ सकता है, और विद इन जो इन दोनों के बीच की वैल्यूज़ हैं वो भी आ सकती है, राइट, ओके। 10 आ गया, देखो 10 आ गया, स्टार्टिंग लिमिट आपकी आ गई है, कंट्रोल सी फिर से करेंगे, कंट्रोल वी, 17 आ गया, कंट्रोल वी, 16, कंट्रोल वी, 20, देखो दोनों जो आपका स्टार्टिंग जो नंबर था एंड आपका एंडिंग लिमिट थी वो दोनों इसमें इंक्लूड होती हैं रेंड इंट फंक्शन के अंदर, फाइन, ओके। तो देखो इसके पैरामीटर्स भी इंटीजर्स हैं और ये जो नंबर्स जनरेट करता है वो भी इंटीजर्स होते हैं। अब अगर मान लो मैं देती हूँ स्टार्टिंग एंड एंडिंग दोनों लिमिट्स मैं सेम दे देती हूँ, मैंने यहाँ पे कर दिया 10 एंड 10, राइट, तो एक ही नंबर जनरेट होगा, दैट इज़ 10। फिर से देखो अगर मैं इसको फिर से कॉपी करती हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों नंबर सेम है, राइट, तो ये एक ही नंबर जनरेट करेगा, दैट इज 10। नेक्स्ट मेथड ऑफ रैंडम मॉड्यूल इज रेंड रेंज मेथड। द रेंड रेंज मेथड रिटर्न्स अ रैंडमली सिलेक्टेड इंटीजर नंबर फ्रॉम द स्पेसिफाइड रेंज। तो रेंड रेंज मेथड क्या करता है, एक रैंडमली सिलेक्टेड इंटीजर नंबर क्रिएट करता है, जनरेट करता है फ्रॉम द स्पेसिफाइड रेंज, ओके। आपने रेंड इंट में देखा था वो भी क्या करता था, इंटीजर नंबर जनरेट करता था, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है, रेंड इंट के अंदर आप दो पैरामीटर्स पास करते हो, रेंड रेंज के अंदर आप 3 पैरामीटर्स को पास करोगे, ओके। कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप, ओके। आपका स्टार्ट क्या है, ऑप्शनल है, स्टार्टिंग नंबर ऑफ द सीक्वेंस, ये क्या है, स्टार्टिंग नंबर है, ओके। अगर आप स्टार्टिंग नंबर नहीं देते हो, स्टार्टिंग लिमिट नहीं देते हो, तो बाय डिफॉल्ट ये क्या कंसीडर होता है, 0, ओके। एंड जो स्टॉपिंग पैरामीटर है, स्टॉप पैरामीटर है, वो मैंडेटरी है, वो आपको जरूर देना है, राइट, अपर लिमिट ऑफ द सीक्वेंस, और ये क्या है, एक्सक्लूसिव है। अब रेंड इंट के अंदर क्या था, दोनों लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट इंक्लूसिव थे, दोनों आते थे, ठीक है, इंक्लूड होते थे, पर रेंड रेंज के अंदर जो आपका स्टॉप पैरामीटर है, अपर लिमिट है, वो एक्सक्लूसिव है, वो इंक्लूड नहीं होगा जो नंबर जनरेट होंगे उनके अंदर, ठीक है। एंड नेक्स्ट पैरामीटर इज स्टेप पैरामीटर, ये क्या बताता है कि कितने नंबर्स छोड़ छोड़ के नंबर्स आएंगे, डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स इन द सिक्वेंस, 1 1 1 बाय 1 आएंगे या 2 का डिफरेंस होगा या 3 का डिफरेंस होगा, लाइक दिस, ओके। तो यहाँ पे हम रेंड रेंज फंक्शन का यूज़ देखेंगे, तो सबसे पहले रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। रैंडम को इंपोर्ट कर लिया, अब रैंडम डॉट रेंड रेंज, राइट, रैंडम डॉट रेंड रेंज। अगर मैं इसके अंदर एक ही पैरामीटर देती हूँ, मान लो मैं इसके अंदर एक ही पैरामीटर दे रही हूँ 50, तो ये 50 मेरा क्या कंसीडर होगा, ये मेरा एंडिंग वैल्यू कंसीडर होगा, और मैं और इसके अंदर नंबर्स कहाँ से कहाँ तक जनरेट होंगे, फ्रॉम 0 to 49, राइट, ओके। देखो 23 आ गया, मैं फिर से करके दिखाती हूँ, कंट्रोल सी,
कंट्रोल वी, 39 कंट्रोल वी, 39 कंट्रोल वी, 19, ओके तो जो नंबर्स जनरेट होंगे वो कहाँ से कहाँ तक होंगे, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो स्टार्टिंग वैल्यू होगी वो जीरो कंसीडर होगी और जो एंडिंग वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, एक्सक्लूसिव होती है -1, तो यहाँ पे 49 होगी, राइट 50 इंक्लूड नहीं होगी, 49 तक ये 0 to 49 तक नंबर्स को जनरेट करेगा, फाइन ओके. अब अगर हम दूसरा देखते हैं, मान लो मैंने यहाँ पे कंट्रोल वी स्टार्टिंग वैल्यू भी दी है और एंडिंग वैल्यू भी दी है. मान लो मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू दे दी 10 और एंडिंग वैल्यू दे दी है मेरी 50, राइट right? तो ये कहाँ से कहाँ तक नंबर जनरेट करेगा, ये 10 से लेकर 49 तक नंबर्स को जनरेट करेगा, फाइन ओके. 46 आ गया, इसको फिर से लेते हैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी, 40 कंट्रोल वी, 15 कंट्रोल 38, राइट 10 से लेकर 49 तक ये नंबर्स को जनरेट करेगा, फाइन ओके. अब यहाँ पे देखो मैंने स्टेप वैल्यू नहीं दी है, स्टेप वैल्यू नहीं दी है तो बाय डिफॉल्ट वो स्टेप वैल्यू 1 ले रहा है, ओके. अगर स्टेप वैल्यू नहीं देते हो तो बाय डिफॉल्ट वो 1 लेता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिया, मैं इसको अगर लिखना चाहूँ तो लिख सकती हूँ 1, राइट 1 लिख दिया, बाय डिफॉल्ट भी वो 1 ही लेता है, ओके. अगर मैं चाहती हूँ कंट्रोल वी, मैं यहाँ पे 1 की जगह यहाँ पे लेना चाहती हूँ स्टेप वैल्यू 2, ओके और मैंने ले लिया यहाँ पे नंबर, मान लो मैं 10 to 20 नंबर्स लेना चाहती हूँ, 10 to 20, तो देखो कौन कौन से नंबर्स इसके अंदर आएंगे, 10 ओके, उसके बाद आएगा 12, देन 14 एंड देन 16, ओके 16 एंड आपका आ जाएगा 18 तक आएंगे, क्योंकि 20 इंक्लूसिव नहीं है इसके अंदर, 19 तक नंबर आने हैं तो 18 तक आएंगे. देखो इसको मैं करके देखती हूँ, 18 आया, 18 तक नंबर आएंगे 10 to 18, क्योंकि स्टेप वैल्यू यहाँ पे हमने क्या लिए, 2 लिए, राइट इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, 16 ओके, 10 राइट, 14 18 ओके, अंडरस्टूड. तो आपकी यहाँ पे स्टेप वैल्यू 2 है तो आपका कौन कौन सा नंबर आ जाएगा, आपका आ जाएगा 10 आ जाएगा, ओके मैं जस्ट आपको लिख के दिखा देती हूँ, 12 आएगा आपका, 14 आ जाएगा ओके, एंड आपका आ जाएगा 16 एंड आपका आएगा 18, राइट उसमें से कुछ नंबर्स तो आ चुके हैं, आपका 12 आ चुका है, 18 आ चुका है, 14 आ चुका है, 10 भी आ चुका है, फाइन और आपका 16 भी आ चुका है, राइट ओके. अगर मैं यहाँ पर रेंड रेंज फंक्शन में एक मॉडिफिकेशन करती हूँ, रेंड रेंज, ठीक है, मैंने क्या किया, जो मेरी स्टार्टिंग लिमिट थी वो मैंने कर दी बिग, ओके, एंड जो मेरी एंडिंग लिमिट थी वो मैंने कर दी स्मॉल, ठीक है. तो मैंने स्टार्टिंग कर दी यहाँ पे 20 एंड एंडिंग कर दी यहाँ पे 10, तो ये कहाँ से चलेगा, 20 से लेकर 11 तक चलेगा, क्योंकि 10 इसमें इंक्लूसिव नहीं है. अब इसको चलाने के लिए, रिवर्स ऑर्डर में चलाने के लिए हम स्टेप वैल्यू क्या देंगे, नेगेटिव में देंगे, मैंने -1 दी यहाँ पर स्टेप वैल्यू, राइट ओके. देखो अब 18 आया, इसको कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल सी, राइट 15 12 14 कहाँ तक चलेगा, ये 11 तक चलेगा, फ्रॉम 20 to 11, फाइन 17 12 11 तक आ गया, 15 16 ओके. आई वॉन्ट टू शो यू कि इसमें क्या इंक्लूड होगा, 20 इंक्लूड होगा, 20 आएगा, क्योंकि 20 क्या है, इसकी लोअर लिमिट बन चुकी है, फाइन देखो 20 आ गया, 20 भी इसमें इंक्लूड है, फाइन तो यहाँ पे 20 to 11 नंबर्स आएंगे, फाइन. पाइथन के स्टेटिस्टिक्स मॉड्यूल का क्या यूज़ है, राइट तो यहाँ पे जो वर्ड यूज़ हुआ है स्टेटिस्टिक्स, राइट इसका क्या मीनिंग है, इट इज़ द साइंस ऑफ कलेक्टिंग एंड स्टडिंग नंबर्स. ये साइंस है जहाँ पे डेटा को कलेक्ट किया जाता है, उसको स्टडी किया जाता है, डेटा को एनालाइज किया जाता है इन ऑर्डर टू गेट सम रिजल्ट, राइट. मान लो गवर्नमेंट को ये पता लगाना है कि पॉपुलेशन में कितना राइज हुआ है, ओके, तो वो क्या करेगी गवर्नमेंट, पॉपुलेशन रिलेटेड डेटा को वो कलेक्ट करेगी, राइट उसका एनालिसिस किया जाएगा, उसका इंटरप्रिटेशन किया जाएगा, जिससे पता चलेगा कि पॉपुलेशन कितना राइज हुई है, ओके. तो यहाँ पे हम देखेंगे द स्टेटिस्टिक्स मॉड्यूल ऑफ द पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी प्रोवाइड्स मेनी स्टेटिस्टिक्स फंक्शन सच एज मीन मीडियन मोड. तो पाइथन की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी आपको कुछ इनबिल्ट स्टेटिस्टिक्स फंक्शन प्रोवाइड करती है, जैसे मीन
मीन मीडियन मोड, जिनको आप डेटा पे अप्लाइड करके उसका एनालाइज कर सकते हो, राइट, कुछ रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हो, ओके, फॉर कैलकुलेटिंग मैथमेटिकल स्टेटिस्टिक्स ऑफ न्यूमरिक डेटा, राइट। तो यहाँ पे इन फंक्शंस का, स्टेटिस्टिक्स फंक्शन का यूज करके आप डेटा एनालिसिस कर सकते हो, फाइन। इम्पोर्टिंग स्टेटिस्टिक्स मॉड्यूल, अगर आपको अपने प्रोग्राम में स्टेटिस्टिक्स मॉड्यूल के फंक्शंस को यूज़ करना है तो आप क्या करोगे, स्टेटिस्टिक्स मॉड्यूल को इंपोर्ट करोगे, ओके। इन ऑर्डर टू यूज़ स्टेटिस्टिक्स फंक्शन ऑफ स्टेटिस्टिक्स मॉड्यूल, यू नीड टू फर्स्ट इंपोर्ट द स्टेटिस्टिक्स मॉड्यूल इन योर प्रोग्राम, ओके। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अगर आपको स्टेटिस्टिक्स मॉड्यूल के फंक्शंस यूज़ करने हैं अपने प्रोग्राम में, तो आप स्टेटिस्टिक्स मॉड्यूल को इंपोर्ट करोगे। तो इनमें से कोई भी एक स्टेटमेंट यूज़ करके आप स्टेटिस्टिक्स मॉड्यूल को इंपोर्ट कर सकते हो अपने पाइथन स्क्रिप्ट में। फर्स्ट वन है इंपोर्ट स्टेटिस्टिक्स, राइट। सेकेंड क्या है, फ्रॉम स्टेटिस्टिक्स इंपोर्ट मीन मीडियन मोड, राइट। तो यहाँ पर आप एक साथ तीनों फंक्शंस को भी इंपोर्ट कर सकते हो, यूज कर सकते हो, या फिर आप सिर्फ अगर मान लो एक स्पेसिफिक फंक्शन यूज करना चाहते हो मॉड्यूल में से, तो आप कैसे लिख सकते हो, फ्रॉम स्टेटिस्टिक्स इंपोर्ट मीन या फ्रॉम स्टेटिस्टिक्स इंपोर्ट मीडियन। तो यहां पे आप सिर्फ एक स्पेसिफिक फंक्शन को यूज करोगे, फाइन। सो फर्स्ट वी हैव द मीन फंक्शन, द स्टेटिस्टिक्स डॉट मीन मैथड कैलकुलेट्स द मीन ऑफ द गिवन डेटा सेट। स्टेटिस्टिक्स मॉड्यूल का मीन मैथड जो भी डेटा सेट उसमें पास किया जाता है उसकी मीन वैल्यू फाइंड आउट करता है, रिटर्न करता है, राइट। मीन वैल्यू कौन सी होती है, एवरेज वैल्यू, राइट। तो एवरेज वैल्यू कैसे निकाली जाती है, एड अप ऑल द गिवन वैल्यूज, जितनी भी वैल्यूज हैं उनको एड कर दो एंड देन डिवाइडेड बाई हाउ मैनी वैल्यूज आर देयर, राइट, ओके। और मान लो मेरे पास यहाँ पे लिस्ट है, मैं यहाँ पे वैल्यू होगी 2, 4, again 2 and again 4, राइट। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इन सबको ऐड कर दोगे, ओके, इन सबको ऐड कर दोगे, 2, 4, 5, 6, 6 and 6, 12, राइट, ओके। और इसको आप डिवाइड कर दोगे 4 से, नंबर ऑफ द वैल्यूज 1, 2, 3, 4, इसको आप डिवाइड कर दोगे 4 से, राइट। तो आपका रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पे, ओके, 4, 3 जा 12। तो ये जो 3 निकल के आया है वो आपका क्या है, वो आपकी मीन वैल्यू है, राइट, ओके। तो मीन निकालने का सिंटेक्स क्या है, स्टेटिस्टिक्स डॉट मीन, और इसके अंदर आप पास करोगे मीन फंक्शन के अंदर डेटा, राइट। जो डेटा है वो कोई भी सीक्वेंस हो सकता है, आपका लिस्ट हो सकता है, टपल हो सकता है, कोई भी आइट्रेटर हो सकता है। आइट्रेटर मीन्स जिसमें आप डेटा को आइट्रेट कर सको, वन बाय वन डेटा को एक्सेस कर सको, राइट, ओके। नाउ रिजल्ट क्या होता है, इट रिटर्न्स अ फ्लोट वैल्यू रिप्रेजेंटिंग द एवरेज ऑफ द गिवन डेटा। जो रिजल्ट आएगा वो फ्लोट वैल्यू की फॉर्म में आएगा, ओके, फ्रैक्शनल फॉर्म में आएगा, और वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, गिवन जो भी डेटा सेट आपने मीन फंक्शन के अंदर पास किया है उसकी एवरेज वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, ओके। तो मीन मेथड को इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, स्टेटिस्टिक्स मॉड्यूल को आप इंपोर्ट करोगे। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले स्टेटिस्टिक्स मॉड्यूल को इंपोर्ट करूँगी और इसको मैं एस कर रही हूँ, राइट। ये एस क्या है, इसका एलियस नेम है, तो मैं हर जगह स्टेटिस्टिक्स वर्ड यूज़ नहीं करूँगी, इन प्लेस ऑफ डेट वर्ड आई विल यूज़ एस, ठीक है। मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया है, अब हम इसके फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो मैंने मान लो सबसे पहले एक लिस्ट ले ली, लिस्ट में मैं यहाँ पे वैल्यूज ले लेती हूँ 10, 20, 30, 40, 50, दिस इज माई लिस्ट, राइट। अब मुझे क्या करना है, इस लिस्ट की मीन वैल्यू निकालनी है, एवरेज वैल्यू निकालनी है, राइट। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, एस डॉट मीन फंक्शन, एस स्टैंड फॉर स्टेटिस्टिक्स, राइट, स्टेटिस्टिक्स मॉड्यूल, और मीन फंक्शन में आप पास कर दो लिस्ट को, ओके। तो ये आपकी जो 30 निकल के आई है वो क्या निकल के आई है, इसकी एवरेज वैल्यू है निकल के आई है, ठीक है। एवरेज वैल्यू कैसे निकलती है, एडिशन ऑफ द गिवन डेटा, राइट। यहाँ पे क्या होगा, जो भी आपकी लिस्ट दी हुई है उसके डेटा का एडिशन होगा एंड डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ डेटा, जैसे 10+20+30+40+50 डिवाइडेड बाय 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5, ओके। अब मान लो मैं यहाँ पे लिस्ट की जगह टपल ले लेती हूँ, कोई भी सिक्वेंस आप ले सकते हो, मैंने यहाँ पे टपल को ले लिया, टपल में हम ले लेते हैं डेटा 5, 6, ओके, 7, अगेन 6 ले लेते हैं, देन 2, देन 4, दिस इज माई टपल, राइट। अब इसकी एवरेज हम निकाल लेंगे एस डॉट मीन, और इसमें आप टपल को पास कर दो, राइट, तो इसकी एवरेज वैल्यू निकल के आ गई यहाँ पे 5, ओके। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या लिया, मैंने लिस्ट में जो डेटा लिया है वो इंटीजर डेटा लिया है, मैं इसमें फ्लोट भी ले सकती हूँ, ओके। मैंने यहाँ पे ले लिया फ्लोट डेटा, लेट अस सपोज मैंने ले लिया 2.5, ओके, और 4.5, 6.0, राइट, एंड 7.8,
दिस इज माई फ्लोट डेटा, राइट। अब मैं इसका निकाल दूंगी मीन, एस डॉट मीन, एंड देन इसमें आप पास कर दो टपल को, राइट। ये आपकी क्या है, ये आपकी एवरेज वैल्यू निकल के आ गई है, मीन वैल्यू निकल के आ गई है, फाइन। इंटीजर डेटा भी आप यूज कर सकते हैं, आप फ्लोट डेटा भी यूज कर सकते हैं, बट आप इसके अंदर स्ट्रिंग डेटा यूज नहीं कर सकते। अब यहाँ पे मैं शो करती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिया स्ट्रिंग डेटा की, हम लिस्ट ले लेते हैं, एल में ले लेती हूँ एल, राइट। मैंने ले लिया 22 क्या है मेरा स्ट्रिंग डेटा है, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको क्या दिया है, सिंगल कोर्स में दिया, अब ये स्ट्रिंग बन चुका है। तो 30 ले लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे ले लेते हैं हम 50, इतना ही शो कर देती हूँ, बिकॉज यहाँ एरर ही आनी है, राइट। ये स्ट्रिंग डेटा को, बिकॉज ये क्या मैथमेटिकल फंक्शन है, इस पर अप्लाई नहीं होगा, फाइन। और अगर मैं कोशिश करती हूँ, देखो मैं आपको सिर्फ शो करने के लिए दिखा रही हूँ, मैंने यहाँ पे मीन किया, राइट, और मैंने यहाँ पे एल को पास कर दिया, फाइन। तो अब क्या आएगा, मेरे पास एरर आएगी, एरर आ गई है आपके पास, ओके, टाइप एरर आ गई है, क्योंकि यहाँ पे आप स्ट्रिंग वैल्यूज के ऊपर मैथमेटिकल फंक्शंस को अप्लाई नहीं कर सकते हो, राइट। और सेकंड थिंग, अगर मैंने क्या किया, यहाँ पे एल लिया, राइट, और एल मैंने जो लिस्ट लिया वो एम्प्टी ली है, उसके बाद मैं फंक्शन अप्लाई करना चाहती हूँ, मेरा जो डेटा है वो एम्प्टी है, उसके बाद मैं करना चाहती हूँ एस डॉट मीन, ओके, एंड देन आपने इसके अंदर पास कर दिया एल को। तो यहाँ पे एम्प्टी डेटा आप पास कर रहे हो, तो यहाँ पे भी क्या होगी, एरर आएगी आपके पास, स्टेटिस्टिकल एरर आएगी। देखो मैं एंटर प्रेस करती हूँ, तो देखो स्टेटिस्टिक्स एरर आ चुकी है, वाई, बिकॉज जो आपने डेटा पास किया था वो एम्प्टी डेटा है, राइट। नेक्स्ट फंक्शन इज मीडियन फंक्शन। द स्टेटिस्टिक्स डॉट मीडियन मेथड कैलकुलेट द मीडियन, दैट मीन्स मिडल वैल्यू ऑफ द गिवन डेटा सेट, राइट। तो मीडियन मेथड क्या करता है, कि जो भी गिवन डेटा सेट है उसमें से मिडल वैल्यू रिटर्न करता है, ओके, इसमें से मिडल वैल्यू फाइंड आउट करके उसको रिटर्न करता है। दिस मेथड ऑल्सो शॉर्ट्स द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर बिफोर कैलकुलेटिंग द मीडियन। और ये फंक्शन एक और वर्क करता है, जो भी डेटा सेट आपने इसके अंदर पास किया है उसको ये पहले अरेंज करता है इन असेंडिंग ऑर्डर, उसके बाद ही मिडल वैल्यू को फाइंड आउट करता है, राइट। Now we have a note here, if the number of data values is odd, अगर data values मान लो odd है, 3 है आपके पास, 5 values हैं, 3 values हैं, 7 values हैं, 9 values हैं, तो ये क्या करेगा, it returns the exact middle value, तो ये जो exact middle value है उसको return कर देगा, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ डेटा वैल्यूज इज इवन, अगर नंबर ऑफ डेटा वैल्यूज इवन है आपके, 2 है या 4 है, 6 है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, इट रिटर्न्स द एवरेज ऑफ द टू मिडल वैल्यूज, तो ये जो दो मिडल वैल्यूज होगी उनकी एवरेज निकाल के आपको रिटर्न करेगा, फाइन। नाउ दिस इज द सिंटेक्स, सिंटेक्स क्या है आपका, स्टेटिस्टिक्स डॉट मीडियन, और इस मीडियन फंक्शन के अंदर आप अपना डेटा पास करोगे। वे डेटा कैन बी एनी सिक्वेंस, डेटा आपका कोई भी सिक्वेंस हो सकता है, लिस्ट, टपल, आइट्रेटर, कोई भी आइट्रेटर, आइट्रेटर क्या होता है, वो सिक्वेंस जिसको आप आइट्रेट कर सकते हो, जिसके वैल्यूज को आप वन बाय वन एक्सेस कर सकते हो, राइट। इफ द डेटा इज एम्प्टी रिटर्न्स अ स्टैटिस्टिक्स एरर, अगर आप एम्प्टी लिस्ट से एम्प्टी टपल पास करते हो, राइट, एम्प्टी डेटा पास करते हो, तो क्या होगा, स्टैटिस्टिक्स एरर ये रिटर्न करेगा, राइट। इट रिटर्न्स अ फ्लोट वैल्यू रिप्रेजेंटिंग द मीडियन मिडल वैल्यू ऑफ द गिवन डेटा, राइट। जो इसका रिजल्ट आता है वो क्या होता है, फ्लोट वैल्यू होती है, जो क्या रिप्रेजेंट करता है, गिवन डेटा सेट की मिडल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, फाइन। तो मीडियन फंक्शन को इंप्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले आप इंपोर्ट करोगे स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल को, STATISTICS, तो एस क्या है इसका, एलियस नेम है, ओके। मैं लिस्ट ऑफ वैल्यूज ले लेती हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, पहले अनऑर्डर्ड लिस्ट लेती हूँ, फाइन। मैंने ले लिया 3, देन आपने ले लिया 2, ओके, और फिर मैंने ले लिया 1, एंड देन हम ले लेते हैं 4, 5, राइट, ओके। ये मेरी अनऑर्डर्ड लिस्ट है, 1, 2, 3, 4, 5 मैंने इसमें वैल्यूज ले लिए हैं, ओके। अब क्या करेंगे, इस लिस्ट में हम अप्लाई करेंगे मीडियन फंक्शन को, तो एस डॉट मीडियन, और लिस्ट को मैं इसके अंदर पास कर देती हूँ, फाइन। देखो आपका जो रिजल्ट आया वो 3 आया है, 3 कैसे आया, कि पहले लिस्ट को इसने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, तो ये कैसे हुआ होगा आपका, यहाँ पे देखो इसने पहले 1, देन आपका हुआ होगा 2, देन 3, देन 4, देन 5, राइट। ये आपकी लिस्ट ऐसे अरेंज हुई होगी असेंडिंग ऑर्डर में, उसके बाद देखो इसकी जो मिडिल वैल्यू है वो 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मिडिल वैल्यू आई है, मीडियन से आपका क्या रिटर्न करता है, इट रिटर्न्स मिडिल वैल्यू, तो यहाँ पे 3 आपका आंसर आ गया है, फाइन, ओके। अब देखते हैं, हम यहाँ पे एक और लिस्ट लेती हूँ, मैं यहाँ पे लिस्ट मैंने यहाँ पे ले ली, लेट अस सपोज ये मेरी लिस्ट है 1, 2,
थ्री, 1, 2, 4 ले लेते हैं, 4, देन 8, देन 9, राइट। अब देखो ये मेरी कौन सी लिस्ट है, इसमें कितने एलिमेंट्स है, 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट्स है, तो ये मेरी ऑड नंबर लिस्ट है। ऑड नंबर लिस्ट है तो ये क्या होगा, ये एग्जैक्ट मिडिल एलिमेंट को ही रिटर्न करेगा, फाइन। तो अगर मैं इसको करती हूँ एस डॉट मीडियन, मीडियन, और इसमें पास कर देंगे हम अपनी लिस्ट को, तो देखो एग्जैक्ट जो मिडिल एलिमेंट था वो रिटर्न हुआ है, ओके। और अगर मैं इसके प्लेस पे क्या करती हूँ, इवन नंबर लिस्ट को लेती हूँ, मैंने इवन नंबर लिस्ट को लिया यहाँ पर, और यहाँ पे एलिमेंट्स ली 1, 2, 3, राइट, एंड देन 7, 8 एंड 9, ओके। अब इवन नंबर लिस्ट में ये क्या करेगा, जो दो मिडिल एलिमेंट्स हैं उनका एवरेज निकालेगा, ओके, एंड उनका एवरेज जो निकल के आएगा वही इसकी मीडियन वैल्यू होगी, फाइन। तो यहाँ पे हम करेंगे एस डॉट मीडियन, उसमें पास कर देंगे लिस्ट को, ओके, तो रिजल्ट आपके पास आ गया 5.0। कैसे आया है, 3 प्लस 7 आपका हो गया 10 डिवाइडेड बाई 2, तो आपके आगे आपका आ गया 5.0, ओके। तो समझ आया आपको, यहाँ पे अगर आपके पास ऑड वैल्यूज है तो एग्जैक्ट मिडिल वैल्यू आपकी आ जाएगी, और आपके पास इवन वैल्यूज है जो, तो क्या होगा, दो मिडिल वैल्यूज की एवरेज निकल के आपके पास आ जाएगी, और वही एवरेज आपकी क्या होगी, मीडियन वैल्यू होगी, फाइन। सेम मीन फंक्शन की तरह आप सिर्फ न्यूमरिक वैल्यूज के ऊपर या फ्लोट वैल्यूज के ऊपर इसको अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे टपल ले लिए, टपल को ले लेते हैं हम यहाँ पे, ओके, मैंने ले लिया 2.5, ओके, 6.0, देन आप ले लो यहाँ पे 5.5, राइट। तो मैंने क्या लिया है, यहाँ पे ऑड मैंने ले लिए टपल, राइट। तो अब हम इसका क्या निकालेंगे, मीडियन निकालेंगे, मीडियन इसमें हम टपल को पास कर देते हैं, फाइन। तो आपका रिजल्ट निकल के आ गया 5.5 क्यों आया, क्योंकि पहले ये अरेंज हुई है 2.5, फिर 5.5, देन 6.5, और ये कौन सी है, ऑड आपकी टपल है, तो यहाँ पे जो एग्जैक्ट मिडल वैल्यू आएगी 5.5 अरेंज होने के बाद। देखो पहले ये अरेंज होगी, पहले आएगा आपका 2.5, ओके, देन आपका आएगा 5.5, राइट, एंड देन आपका आएगा नेक्स्ट आपका 6.0, फाइन। ये अरेंज होगी, उसके बाद आपकी जो एग्जैक्ट मिडल वैल्यू है 5.5 वो आपकी आ जाएगी, रिटर्न हो जाएगी, फाइन। तो आप इसको फ्लोट नंबर्स पे भी अप्लाई कर सकते हो मीडियन फंक्शन को, लेकिन आप इसको स्ट्रिंग पे अप्लाई नहीं कर सकते। और आप इसको अगर एम्प्टी लिस्ट ले रहे हो, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, एम्प्टी लिस्ट ले लिया, मान लो एम्प्टी लिस्ट लिया, तो क्या होगा, मेरी स्टैटिस्टिक्स एरर आ जाएगी, फाइन। अगर मैं इसको शो करके दिखा देती हूँ, मैंने यहाँ पे एस डॉट मीडियन किया, ओके, और एम्प्टी लिस्ट को इसके अंदर पास कर दिया, तो आपकी एरर आ जाएगी, स्टैटिस्टिक्स एरर आ गई है यहाँ पे, फाइन। नेक्स्ट वी हैव मोड फंक्शन, द स्टैटिस्टिक्स डॉट मोड मैथड रिटर्न्स द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू फ्रॉम द गिवन सीक्वेंस। तो मोड मैथड किसी भी सीक्वेंस में से, डेटा सेट में से मोस्ट रिपीटेड वैल्यू को फाइंड आउट करके रिटर्न करता है, वो वैल्यू जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा है, राइट, जो सबसे ज्यादा टाइम अकर हुई है विद इन अ गिवन डेटा सेट, राइट। तो इसका सिंटेक्स क्या है, स्टैटिस्टिक्स डॉट मोड, एंड आप इसमें क्या पास करोगे, जो भी डेटा आपको जिसका मोड फाइंड आउट करना है, फाइन। वेयर डेटा कैन बी एनी सीक्वेंस, लिस्ट और आइटरेटर, इफ देयर आर मल्टीपल मोड्स विद सेम फ्रिक्वेंसी। मान लो एक ही डेटा सेट में कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जिनकी फ्रिक्वेंसी सेम है, मतलब कोई मान लो 2 है, वो 2 टाइम्स अकर हुआ, और 3 भी 2 टाइम्स अकर हुआ, तो इन दोनों की फ्रिक्वेंसी सेम है। तो इस केस में आप क्या करोगे, रिटर्न द फर्स्ट ऑन एनकाउंटर, जो सबसे पहले आपको, जो सबसे पहले एनकाउंटर होगा, जो सबसे पहले आएगा वो रिटर्न होगा एज रिजल्ट, फाइन। इफ द सीक्वेंस इज एम्प्टी, अगर आप इसके अंदर एम्प्टी सीक्वेंस पास करते हो, तो मोड फंक्शन स्टैटिस्टिक्स एरर को रेज करेगा, ओके। तो मोड फंक्शन को इंप्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले आप स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे, राइट, एस मैंने इसका एलियस नेम लिया है, ओके। अब यहां पे हम क्या करते हैं, एक लिस्ट ले लेते हैं, लिस्ट ऑफ वैल्यूज ले लेते हैं, जैसे मैंने यहां पे लिया, यहाँ पे आपने ले लिया 21, देन 24, देन अगेन 21 ले लेते हैं, देन 45, राइट, 56, 67 एंड 21, राइट। तो अब इस पर आप अप्लाई करेंगे एस डॉट मोड फंक्शन, एस क्या है आपका, स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल है, राइट, इसमें आप एल को पास कर देंगे, फाइन। तो देखो 21 निकल के आया, 21 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे देखो 21 की फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, 1, 2,
एन थ्री, थ्री टाइम्स 20 बना है तो इसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा है, राइट। अब मान लो मैं एक लिस्ट लेती हूँ जिसमें कुछ वैल्यूज की फ्रिक्वेंसी सेम है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिया 10, देन मैंने यहाँ पे ले लिया 20, देन अगेन 10 ले लिया आपने, फिर अगेन 20 ले लिया मैंने यहाँ पे, 30 एंड 30, राइट। तो यहाँ पे देखो 10 भी 2 टाइम्स आया, 20 भी 2 टाइम्स आया एंड 30 भी 2 टाइम्स आया, फाइन। तो अगर हम इसको अब देखेंगे एस डॉट मोड एंड देन एल, तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आपका आएगा 10। 10 क्यों आएगा, क्योंकि सबसे पहले जो आपका मोड फंक्शन है उस जो फर्स्ट वैल्यू एनकाउंटर होगी, जो सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू उसको दिखेगी, राइट, सेम फ्रिक्वेंसी पे जो सबसे फर्स्ट वाली वैल्यू से दिखेगी वो उसे ही रिटर्न करेगा। एक और एग्जांपल इसका देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे टपल ली, लेट अस सपोज, और यहाँ पे मैंने ले लिया मान लो यहाँ पे मैंने ले लिया 70, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिया 80, ओके, देन मैंने ले लिया 60 एंड देन अगेन 60, ओके, देन मैंने यहाँ पे ले लिया अगेन 45 एंड देन 45, राइट। तो अभी तो फ्रिक्वेंसी 45 की ज़्यादा है तो हम 60 की ले लेते हैं, 60 को बराबर कर देते हैं। तो देखो 60 और 45 इक्वल हो गए हैं, दोनों की फ्रिक्वेंसी 33 है। तो यहाँ पे ये किसको रिटर्न करेगा, ये करेगा 60 को रिटर्न, क्योंकि सबसे पहले वो 60 एनकाउंटर होगा, ठीक है। तो हमने क्या एस डॉट मोड फाइन, और इसमें आपने टपल को पास कर दिया, फाइन, तो 60 आया, क्योंकि पहले क्या हुआ है 60 को एनकाउंटर किया इसने, फाइन, समझ आ रहा है। मतलब पहले 60 इसको मिला है तो इसने 60 ही वैल्यू आएगी। अगर पहले से 45 मिलता, देखो अगर मैं इसको करती हूँ टपल को, मैंने यहाँ पे किया देखो मैंने यहाँ पे किया 70 देन 45 देन 80 देन 80 देन 45, ठीक है। तो अगर मैं अप्लाई करती हूँ एस डॉट मोड फंक्शन, इसमें टपल को मैं पास करती हूँ, तो आपका क्या आएगा रिजल्ट 45, क्योंकि इसको पहले क्या मिला है 45 मिला है, क्योंकि 80 और 45 की फ्रिक्वेंसी सेम है, लेकिन क्या आया 45 आया है, राइट, ओके। अब मोड फंक्शन को आप स्ट्रिंग वैल्यूज पर भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम मोस्ट रिपीटेड वैल्यू को सिर्फ फाइंड आउट कर रहे हैं। तो मैं मान लो यहाँ पे लिस्ट ले लेती हूँ, मैंने लिस्ट ले ली, यहाँ पे कलर्स की लिस्ट ले लेते हैं हम लोग, रेड, ओके, देन ब्लू एंड देन मैंने फिर से ले लिया रेड, ओके, फिर से आपने ले लिया रेड, फाइन। और यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया एस डॉट मोड, तो देखो सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी है, रेड कलर की है, राइट, तो रिजल्ट क्या आएगा आपका रेड। तो आप यहाँ पे मोड फंक्शन को स्ट्रिंग वैल्यूज पर भी अप्लाई कर सकते हो, बट अगर आपने एम्प्टी लिस्ट को पास किया तो क्या हो जाएगा, आपकी एरर आ जाएगी। मैंने यहाँ पे एस डॉट मोड किया, राइट, और उसमें एम्प्टी लिस्ट को पास कर दिया, एरर आ गई आपकी, स्टैटिस्टिक्स एरर, फाइन। ओके एवरीवन, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।